दोस्तों, आज हम ये दो फिगर ड्रॉ करेंगे। पहला फिगर ये है और दूसरा फिगर मेरा ये है। तो चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने से पहले पहले हम लोग पेज का साइज़ सेट कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले कई वीडियो में आपको करके बताया था। और ये भी बताया था कि ये सब फिगर जो है पहले एक्सिस बेस पे बनते हैं। जैसे पहले हमें एक्सिस लेना होता है, एक्स और वाई एक्सिस। तो मैं लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने लाइन ले लिया। उसके बाद ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। उसके बाद आप देख रहे हैं ये तीन गोले यहाँ पे, तीन सर्किल हैं यहाँ पे बने हुए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और सबका डायमीटर दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। ये देखिए ऐसे ये डिस्टेंस दिया हुआ है सबका। दूसरे वाले गोले का 68, पहले का 50 दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा जो सर्किल है हमारा वो 85 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मैंने सर्किल ले लिया, यहाँ क्रॉस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, सेंटर पॉइंट पे। उसके बाद बाहर की तरफ खींचूँगा। इसका मुझे डायमीटर लेना है, तो राइट क्लिक करके मैं डायमीटर पे जाऊँगा। ये मैंने 50 ले लिया। रिपीट सर्किल, फिर इसी तरह सेंटर से सेंटर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, डायमीटर 68, ठीक। उसके बाद फिर रिपीट सर्किल, इसका डायमीटर मुझे 85 लेना है। इस तरह से मैंने ये तीन सर्किल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे छह गोले बने हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। तो इनका साइज़ जो है 6 8 डायमीटर है, ठीक है। 6 होल्स 8 डायमीटर, जिसका वो रेडियस 4 हुआ और डायमीटर उसका दुगुना होता है, तो 8 डायमीटर, ठीक है। तो मैं सर्किल लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने सर्किल ले लिया, ठीक। यहाँ देखिए क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन रहा है। तो मैं इसे पे क्लिक करके बाहर की तरफ खींचूँगा और राइट क्लिक करके मैं डायमीटर 8 ले लूँगा, ठीक। नहीं सॉरी, ये दूसरे सर्किल पे बना हुआ है। तो कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं। कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। उसके बाद अंडू का ऑप्शन यहाँ पर रहता है, अंडू भी कर सकते हैं आप ऊपर। ये रिपीट सर्किल, मैंने सर्किल रिपीट कर लिया। उसके बाद ये सेकेंड सर्किल पे ये छोटे छोटे गोले, छह गोले बने हुए हैं, इनका डायमीटर जो है 8 है। मैं यहाँ से मैंने 8 ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 6 गोले बनाने हैं। तो मैं सबको अलग अलग करके नहीं बनाऊँगा, हम लोग यहाँ पे अरे कमांड का यूज़ करेंगे। ये अरे कमांड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल अरे नहीं, मुझे पोलर अरे में जाना होगा। ये पोलर अरे में हम लोग गए। यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितना लेना है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 6 लेंगे हम लोग। उसके बाद
गोला 360 डिग्री का होता है, तो सर्किल 360 का होता है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देंगे 360। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है पिक सेंटर पॉइंट, ठीक, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सेंटर पॉइंट पे जाके क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट पे जाके मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद ओके कर देना। ये खुद ब खुद यहाँ पे देखिए 6 गोले, 6 छोटे छोटे सर्किल 8 डाया के बन गए, ठीक। उसके बाद हमें ऑफसेट लेना है, ये सर्किल ड्रॉ करना है हमें, ये देख रहे हैं आप, ये सर्किल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए R70 लिखा है, इसका रेडियस जो है 70 है, तो हम लोग सर्किल लेंगे, यहाँ से सेंटर पॉइंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और 70 एंगल यहाँ पे नीचे देख रहे हैं डाल देंगे, 70 रेडियस, ये बन गया। उसके बाद एक सर्किल और बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका रेडियस जो है 90 है, ये देखिए यहाँ पे 90, ठीक। रिपीट सर्किल, और इसे बाहर की तरफ खींचेंगे, रेडियस डाल देंगे हम लोग 90, ठीक। ये 90 रेडियस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन जो है, इस लाइन से यहाँ जो लाइन गई हुई, इसका डिस्टेंस जो है 45, 45 एंगल पे ये लाइन इधर ड्रॉ की गई है, और इधर भी 45 एंगल की दूरी पे ड्रॉ किया गया है। तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को पोलर पे राइट क्लिक करेंगे, पोलर यहाँ पे नीचे पोलर कमांड है, फंक्शन की है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे 45 पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, जितना एंगल दिया हुआ हो उस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लाइन लेंगे, पोलर ऑन होता है तो हमें एंगल रेफरेंस मिलता है, ये मैंने लाइन यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे खुद देखिए यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन जो है हमें, ये देखिए ये ग्रीन डॉटेड लाइन हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए एंगल डिफरेंस मिलेगा अभी हमें, देखिए यहाँ पे 225 लिख के आ रहा है, जो कि वो भी ये यहाँ से यहाँ 90 होता है, तो 45 जो है इसका मिड पॉइंट जो है 45 हो गए। ये देखिए ये आपको मालूम ही होगा कि ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 90, ये 90, ये 90, तो हमें बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 45 ही होगा, मतलब 225। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, इंटर, रिपीट लाइन, ये सेंटर पॉइंट, यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन बन के आ रही है, ये देखिए ये पूरा सामने पूरी खींच रही है। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट बन के आएगा, ये देखिए यहाँ तक हमें लाइन लेनी है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद इंटर। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ एक सर्किल ड्रॉ करना है, यहाँ यहाँ 3 सर्किल हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3 होल्स 22 डाया, 22 डाया, तो हम लोग सर्किल ले लेते हैं। राइट क्लिक, डायमीटर 22, ठीक। यहाँ पे भी हम लोग पोलर अरे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पोलर अरे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम
इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं हर इंटरसेक्शन पे जाके। ट्वेंटी टू रिपीट सर्किल इंटरसेक्शन पॉइंट डायमीटर 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे एक 20 का सर्किल ड्रॉ है यहाँ पे। ये देखिए ये चीज़, इस सेंटर से 20 रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया गया है, इधर भी और यहाँ पे भी। तो हम लोग रिपीट सर्किल ले लेते हैं। अब हमें 20 रेडियस लेना है, बल्कि ना कि डायमीटर, 20 रेडियस। ये हो गया रिपीट सर्किल। ट्वेंटी ठीक, उसके बाद रेडियस 8 का यहाँ पे फिलेट यूज़ किया गया है इस सर्किल को और इस सर्किल को मिलाने के लिए। यहाँ पे 8 रेडियस का फिलेट यूज़ किया गया, तो फिलेट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे अब। इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे फिलेट कमांड यूज़ किया गया, तो ये हमारा फिलेट कमांड है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें रेडियस में जाना है, वहाँ पे 8 रेडियस डालना है यहाँ पे, एंटर। उसके बाद इस सर्किल पे लेफ्ट क्लिक करना है और इस सर्किल पे लेफ्ट क्लिक करना है। ये देखिए, ये हमारा दोनों सर्किल जो है आपस में मिल गया। उसके बाद फिर फिलेट ले लेते हैं, या रिपीट फिलेट भी कर सकते हैं। ये फिलेट ले लिया, राइट क्लिक, रेडियस 8 रेडियस ले लिया हमने, इस सर्किल पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक और इस सर्किल पे। इस तरह से ये देखिए मेरा फिगर जो है ड्रॉ हो गया। अब हमें इन सब लाइन को हटाने के लिए ट्रिम कमांड यूज़ करना होगा। इस लाइन को हम लोग ट्रिम कर लेंगे, ये हमारा ट्रिम कमांड है। इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करना है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक सब पे करते जाना है। ठीक है, ये सर्किल नहीं है हमारा, सब पे आप लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे, ये आपका ट्रिम होता जाएगा। फिलेट इंटर, इस तरह से हमारा ये फिगर ड्रॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम मूव कमांड ले लेते हैं इसको साइड में रखने के लिए। सेलेक्ट कर लिया इस तरह से मूव कमांड लेके, फिर इंटर, उसके बाद यहाँ मैंने लेफ्ट क्लिक करके साइड में इधर रख दिया। अब हमें दूसरा फिगर ड्रॉ करना है। ठीक, दूसरे फिगर में क्या है, इसमें भी हमें पहले एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये एक इनर सर्किल ले लेंगे, ये अंदर जो है जिसका डायमीटर, ये देखिए 40, अगर आप नापेंगे ये, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 दिया हुआ है।
तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है, और आधी दूरी जो होती है मिड पॉइंट से वो रेडियस कहलाता है। तो ये मैंने लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, डायमीटर में गए और मैंने रेडियस डायमीटर ले लिया 40। यहाँ पे लिख के आएगा, आप कमांड में डालेंगे तो देखिए स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल, उसके बाद इंटर। ये 40 डायमीटर का हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आउटर सर्किल का भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आउटर सर्किल का रेडियस दिया हुआ है हमें 32, ठीक। तो यहाँ पे हम 32 रेडियस डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिया गया है और यहाँ पे इधर एक लाइन लिया गया है बनाने के लिए। ये देखिए ये पूरी डिस्टेंस जो है 100 दिया गया है, ठीक है। तो सेंटर से 50 का ऑफसेट हम लोग यहाँ पे लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफसेट लेके, और इधर ऊपर भी ऑफसेट लेके लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग ऑफसेट कमांड यू लेते हैं, ये ऑफसेट है। उसके बाद डिस्टेंस डाल देते हैं 50, ऑफसेट लेके डिस्टेंस हमने 50 डाल दिया। उसके बाद इस लाइन पे मैंने क्लिक किया और नीचे कर दिया, 50 का ऑफसेट नीचे हो गया 50 डिस्टेंस का, इस पर क्लिक करके ऊपर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन से ये लाइन जो है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 36 लिखा हुआ है, ये देखिए 36 डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 18 होगा और इधर भी 18 होगा, तो हम लोग 18 का ऑफसेट लेंगे, दोनों तरफ ऑफसेट ले लिया, डिस्टेंस डालेंगे 18, इंटर। उसके बाद इस लाइन को राइट पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, और इधर लेफ्ट पे भी। तो इस तरह से ये 18 18 का ऑफसेट हो गया और ये 50 50 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सर्किल यहाँ पे दो दो सर ये सर्किल ड्रा करेंगे। उसके बाद ये सर्किल, तो ये छोटा सर्किल आप देख रहे हैं, ये 10 डाया का लिखा 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 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सर्किल लिया, उसके बाद इंटरसेक्शन पे क्लिक किया, राइट क्लिक, डायमीटर 10, ठीक। उसके बाद रिपीट सर्किल, राइट क्लिक, डायमीटर 10, ठीक है। उसके बाद जो आउटर सर्किल है उसका रेडियस आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे दिया हुआ है रेडियस नहीं, जबकि बल्कि 526 दिया हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर आउटर सर्किल का रेडियस या डायमीटर नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 526, मतलब डायमीटर जो है 26 दिया गया है। रिपीट सर्किल, राइट क्लिक, डायमीटर 26, रिपीट सर्किल, राइट क्लिक, डायमीटर 26, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं R12 का फिलेट यूज़ किया गया है इस सर्किल को और इस सर्किल को मिलाने के लिए। तो हम लोग फिलेट कमांड ले लेते हैं, ये हमारा फिलेट कमांड है। इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रेडियस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रेडियस हमें लेना है कितना, यहाँ पे R12, तो हम लोग 12 इंटर। उसके बाद इस सर्किल पे लेफ्ट क्लिक, इस सर्किल पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस सर्किल पे, ये देखिए ये दोनों सर्किल मिल गए, इसे हम फिलेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम,
पे क्लिक किया, उसके बाद इंटर, उसके बाद ये पूरा सेलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक किया हमने, ये सेलेक्ट किया, इधर की लाइन रहने देना है एक, तो हम लोग कंट्रोल जेड यूज़ करेंगे। ये बीच वाली लाइन जो है इसे हम ट्रिम नहीं करेंगे, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे यहाँ पे भी हमें ड्रॉ करना है। तो ट्रिम, इंटर, ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, जिसे हम लोग TTR बोलते हैं, TTR, जिसकी रेडियस जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है 32। ये देखिए ऊपर नहीं, नीचे दिया गया है, सेम है 32। तो हम सर्किल लेंगे, सर्किल कर लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे TTR का ऑप्शन आ रहा है, TTR पे क्लिक करेंगे। TTR पे क्लिक करने के बाद देख लिखा हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट और सर्किल। यहाँ देखिए एक एक ग्रीन छोटा सा गोला बन के आएगा जब आप TTR लेंगे, राइट क्लिक करके TTR यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रेडियस पूछ रहा है हमें नीचे, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, तो हम लोग 32 दिया हुआ है तो 32 डाल देंगे। पहले हमें यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद रेडियस डाल देंगे, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ, ट्रिम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर, इसे भी ट्रिम कर लेते हैं। ये देखिए मेरा इतना फिगर ड्रॉ हो गया। उसके बाद सेम यही चीज़ यहाँ नीचे ही बनाना है, तो हम लोग ये चीज़ बनाएंगे नहीं, हम लोग मिरर कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसमें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मिरर कमांड मेरा यहाँ पे है, ठीक, ये मैंने मिरर कमांड पे को सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक किया मेरे कमांड पे, उसके बाद हमें यही चीज़ सेम वहाँ बनाना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इंटर प्रेस करना है, ठीक, उसके बाद हमें सेंटर पे, ये सेंटर लाइन जो है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, ये यह देखिए यहाँ पे क्रॉस बन के आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद इंटर। ये देखिए सेम चीज़ जो है मिरर कमांड से यहाँ नीचे ही बन गई, जिसे हमें दोबारा बनाना नहीं पड़ा। इसे भी हम ट्रिम कर लेते हैं, हमें सीरियल वाइज ट्रिम करना होता है। अगर हम लोग पहले इसको ट्रिम कर देंगे तो फिर हमारा ये ट्रिम नहीं होगा, मतलब सीरियल वाइज से, मतलब एक तरफ से हमें ट्रिम करना होगा, ठीक है।
तो मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा तो फिर दोबारा आ जाएगा। तो हम लोग का ये ध्यान रहे कि अगर हम ट्रिम कर रहे हैं, ट्रिम कमांड का यूज़ कर रहे हैं, तो सीरियल वाइज करें। ट्रिम पे क्लिक किया, इंटर। इस तरह से ये मैंने ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद यहाँ पे एक हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये देखिए, एक लाइन ड्रॉ की गई है। लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, लाइन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 20 डिस्टेंस दिया गया है, जो कि यहाँ पे भी एक सर्किल ड्रा किया गया है जिसका सेंटर पॉइंट ये है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से 20 का ऑफसेट लेंगे यहाँ से। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 है। इस लाइन पे क्लिक करके हम राइट साइड में क्लिक करेंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया इस सर्किल का, जिसकी रेडियस जो है 15 है। तो हम लोग सर्किल ले लेंगे। सर्किल लेने के बाद 15 रेडियस लेना है। ये मैंने 15 रेडियस का सर्किल ले लिया। उसके बाद ये यहाँ पे टेंजेंट लिया गया है। तो टेंजेंट लेने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि कैसे लिया जाता है। लाइन हमें सेलेक्ट लाइन पे क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ राइट क्लिक हमें दबाना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद शिफ्ट छोड़ देना है, टेंजेंट। आप जैसे टेंजेंट लेंगे तो यहाँ पे छोटा सा ग्रीन सर्किल, थोड़ा सा ग्रीन सर्किल छोटा सा नज़र आएगा। तो वो सर्के सर्के वो टेंजेंट को जो कि टेंजेंट को डिनोट करता है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक। उसके बाद फिर टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक इंटर। ठीक है, लाइन लिया, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, टेंजेंट यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, टेंजेंट, इस तरह से इंटर। तो ये मेरा इतना फिगर ड्रॉ हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग यहाँ पे हमें ट्रिम करना होगा। ट्रिम, इंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल लिया गया है। ये देखिए, जिसकी चौड़ाई जो है 4 है और लंबाई 20 है। ठीक है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल ले लिया, उसके बाद इसे इस पर क्लिक करके लो राइट क्लिक करना है, डायमेंशन में जाना है। यहाँ पूछ रहा लेंथ, लेंथ जो कि यहाँ पे 20 है, 20, इंटर। और विड्थ 4 दिया हुआ है, इंटर।
इस रेक्टेंगल को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम लोग मूव कमांड का यूज़ करेंगे। मैंने मूव लिया, मूव पे क्लिक किया, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर, उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये सेलेक्ट किया, एंटर, उसके बाद इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें लाना है, नहीं हो पाया, मूव ये सेलेक्ट किया, एंटर, यहाँ पे हमने मूव लिया। मूव करने के बाद इसे सेलेक्ट किया, एंटर, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का बन के आ रहा है एंड पॉइंट पे। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मिड पॉइंट बन के आएगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमें एक हैच, ये जो है हैचिंग करना है। तो हैचिंग करने के लिए ये देखिए ये हैच कमांड है, इस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक कर दिया, हैच कमांड पे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा पिक पॉइंट्स, यहाँ पे हम एक एक करके सब कुछ पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे जो जो हमें हैच करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एंगल दे रहा है, यहाँ पे हम 90 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20, ठीक, इस तरह से ये हमारा फिगर जो है ड्रॉ हो गया। और इस लाइन को हम लोग ट्रिम कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया, दोनों फिगर ड्रॉ हो गए, एक आपको ये करके बताया और एक ये। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।